दोस्तों 2023 आपका भाग्य क्या कह रहा है और इस साल इतिहास रचने वाले हैं आप लोग, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखेगा। दोस्तों ये 3 मिनट की वीडियो आपका जीवन बदल सकती है और आप इतिहास रच सकते हैं 2023 में। 2022 में आप लोगों ने क्या किया और आप कहां गए? अगर दोस्तों हमारी बात झूठी निकल जाए तो सिंह राशि के लिए जीवन में कभी मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। दोस्तों ये ज्योतिष शास्त्र के जरिए आपका 2023 का भाग्य है और 2023 में आप जो है आपको कौन से क्षेत्रों में लाभ होगा, आप किन क्षेत्रों में आगे निकल जाएंगे और कौन से क्षेत्र में इतिहास रच कर मानेंगे, ये सब कुछ आज की इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, उसे जल्दी से दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले और हम आपके परिवार को बेहतर बनाने में थोड़ी सी मदद जरूर कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इस जीवन में जो है अब कंपटीशन लेवल ज्यादा ही बढ़ गया है। अब दोस्तों आप लोग को इतिहास रचना है तो उसके लिए आप लोगों को किन क्षेत्रों में फायदा होने वाला है वो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों जैसा कि सिंह राशि का भाग्य क्या कह रहा है और शिक्षा क्या कह रहा है, करियर क्या कह रहा है, बिजनेस व्यापार क्या कह रहा है, नौकरी कहाँ लगेगी, शादी विवाह क्या कह रहा है, शादी होगी कहाँ पर होगी, किन लोगों से होगी, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको व्यापार क्या कह रहा, तो दोस्तों व्यापार आपका कह रहा, आपको कुछ लोग ऐसे भी मिल सकते हैं जो आपके व्यापार को डुबाने में लग सकते हैं, तो उनसे आपको बचकर रहना है, थोड़ा उधारी पर कंट्रोल करना है। 2023 में आपको थोड़ा सख्त रहना है तब आपका व्यापार आगे जा सकता है और व्यापार में वृद्धि हो सकती है, पैसा आ सकता है, उधारी पैसा लेने का जो है प्रयास करेंगे। 2023 में जितना भी उधारी पैसा है वो आपका मिलने की संभावना है। और नौकरी, नौकरी की जो लोग तलाश कर रहे हैं उनकी नौकरी लग सकती है, नौकरी में जो है इनका प्रमोशन हो सकता है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनका जो है प्रमोशन हो सकता है, नौकरी में जो है इनको मिल सकती है, प्राइवेट सेक्टर हो या फिर सरकारी हो, पर आप लोगों को थोड़ी तैयारी करना पड़ेगा, कंपटीशन लेवल हाई है इसलिए मेहनत करना पड़ेगा। शिक्षा में, जिन लोगों का शिक्षा में मन नहीं लगता है उनका मन जो है लगने लगेगा और शिक्षित होने में जो है उनको थोड़ा सा जो है मेहनत करना पड़ेगा। दोस्तों शिक्षित होने के लिए आपको हर चीज में जिस तरह मेहनत करना पड़ेगा उस तरह शिक्षा में भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। दोस्तों कार्यशैली में इनको ये जो कार्य करेंगे उनमें जो है इनको सफलता ज्यादा मिलेगी, जो कार्य करेंगे जिसमें हाथ डालेंगे वो जो है काम करके ही मानेंगे, ऐसे शांति से नहीं बैठेंगे, और जो है मन में जो छुपे कार्य हैं वो सारे पूर्ण हो सकते हैं, जो सालों साल पुराने काम हैं, जो पुराने से पुराने काम हैं वो बन नहीं पा रहे थे लेकिन 2023 में बनने की संभावना 100% है। तो आप लोग मेहनत करते जाइए, आपके काम सारे बन सकते हैं, बैंक बैलेंस भी आ सकता है। अगर आप लोग जो है व्यापार के लिए, धंधा के लिए बैंक से लोन लेना चाहते थे वो पास हो सकता है और आपको मिल सकता है, और उसे लोन लेकर आप जो है बिजनेस करेंगे तो आपकी बढ़ोतरी हो सकती है। गणेश जी आपके ऊपर खुश हैं, माता लक्ष्मी आपके ऊपर खुश हैं, इसलिए मेहनत, और 1 जनवरी को माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करिएगा। अगर आप पूजा कर देंगे और माता लक्ष्मी जो है खुश हो जाएंगी, 1 जनवरी 2023 को गणेश भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करिए। जमीनी विवाद है, जिन लोगों के जमीनी विवाद है उनके सारे जो है जमीनी विवाद खत्म हो सकते हैं और जमीन के सारे जो सफलता मिलने वाले हैं और उनमें जो उनकी बढ़ोतरी हो सकती है और फायदा हो सकता है। ठेकेदारी में बहुत ही लाभ होने वाला है सिंह राशि वालों के लिए, सफलता मिल सकती है और आज का जो है इनका व्यवहार बढ़ने लगेगा, आज से इनका व्यवहार बढ़ने लगेगा जिससे अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे और उच्च लेवल के जो है पार्टी से इनका संपर्क बनेगा और जो है बड़े बड़े अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा। जीवन के साथी के प्रेम में जो है प्रेम भाव रहेगा, जीवन साथी के प्रेम में प्रेम रहेगा, अनेकों जगहों से लाभ मिलेगा। वाहन की खरीदारी 2023 में बन नहीं, जो लोग वाहन को खरीदना चाहते हैं वो 2023 में खरीद सकते हैं और 2023 आने वाला इनका भाग्य बदल देगा। दोस्तों इसलिए आप लोग एक बार कमेंट में जय शनिदेव और जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंडों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ।